नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टूडेंट साथी का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ, मुझे तो आप जानते ही होंगे। अरे मोदी जी, ये आप नमस्कार मित्रों से नमस्कार साथियों पे कैसे आ गए? वो क्या है ना राहुल, कि बंगाल चुनाव में नमस्कार मित्रों बिल्कुल फ्लॉप रहा, तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा टोन में चेंज किया जाए और नमस्कार साथियों बोला जाए। और ऐसे भी अभी हम लोग स्टूडेंट साथी के यूट्यूब चैनल पे हैं, तो यहाँ पे तो साथियों ही चलता है। अच्छा, अब समझ में आया, हम लोग तो स्टूडेंट साथी के यूट्यूब चैनल पे हैं। तो ये बताइए मोदी जी, आज हम लोग क्या सीखेंगे? राहुल, आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे जो भी देखने वाले दर्शक हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उन्हें ये सारा टॉपिक पसंद आए। अरे वाह मोदी जी, अगर द हिंदू एडिटोरियल का समरी और डिस्कशन मिल जाए तो क्या ही कहने। नॉर्मल एग्जामिनेशन से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में तो सुना है द हिंदू एडिटोरियल से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, अब चाहे करंट अफेयर्स हो या वाकई बलड़ी हो या और भी कुछ हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तो यही कहूंगा मोदी जी कि आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि छोटा भीम का एपिसोड भी आने वाला है, तो बिना थकाए हुए बिना पकाए हुए आप जल्दी से अपना लेक्चर खत्म कीजिए ताकि मैं जाके कार्टून देख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें ना थकाऊं ना पकाऊं और तुम्हारे कार्टून के टाइम पे तुम्हें मैं इस क्लास से जो है खत्म भी कर दूं, और ताकि तुम अपना कार्टून अच्छे से जाके देख सको। तो सबसे पहला टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के मैं शुरू कर देता हूं। तो ये था बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक, ये ग्रीन इनिशिएटिव सऊदी अरबिया। तो ये न्यूज में क्यों था ये मैं पहले तुम्हें बता दूं राहुल। तो रिसेंटली सऊदी अरब ने लॉन्च किया है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड द मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव टू कॉम्बेट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे हम लोग क्लाइमेट में देख रहे हैं आजकल बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो सऊदी अरब ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें इस इनिशिएटिव का नाम है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड द मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली की पॉइंट्स क्या है कि G20 जो समिट हुआ था उसमें प्रेसिडेंसी, उसमें ये बेसिकली ये मुद्दा उठा था कि सेफ गार्ड द प्लैनेट। और G20 इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएटिव्स लाइक एस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम प्लेटफॉर्म एंड द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी प्लेटफॉर्म। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, वो हम लोग जान रहे हैं, तो उसके लिए सऊदी अरब ने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो होप, मैं भी आशा करता हूँ कि ये इनिशिएटिव अच्छा रहे। अब दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। तो ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये न्यूज में क्यों था? तो द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैज ऑपरेशनलाइज्ड द थर्ड ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड JLN इन मुंबई। तो बिपिन रावत जी ने जो है ये ऑपरेशनलाइज किया है तीसरा ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड मुंबई में। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जनरल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में। और अदर ऑपरेशनलाइज ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड जो है वो गुवाहाटी में है, पोर्ट ब्लेड में है, और ये तीसरा जो भी मुंबई में हुआ। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड्स का, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड है ये प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स ओवर द आर्म फोर्सेस, मतलब आर्म फोर्सेस को जो भी जरूरी सामान है उसे मुहैया करवाएगा। फ्रॉम दिस स्मॉल आर्म्स एमिनेशन राशन फ्यूल जनरल स्टोर सिविल हायर ट्रांसपोर्ट एविएशन क्लॉथिंग स्पेयर्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट इन एन एफर्ट टू सिनराइज देयर ऑपरेशनल एफर्ट्स। मतलब उनको राशन से लेके हथियार, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर के आइटम, ये बेसिकली प्रोवाइड करवाना ये काम है ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड का। और इससे क्या होगा, एडवांटेज इसका क्या होगा, तो मैन पावर की बचत होगी, इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन जो होता है वो कम होगा, और उसके बाद फिनेंशियल सेविंग्स भी होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था, दूसरा टॉपिक था राहुल। तीसरा टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो ये है एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राहुल। तो अगर तुम भी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो
एक बार इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेना, यहाँ पे तो मैं बेसिक समराइज ही तुम्हें बता पाऊंगा। तो ये न्यूज में क्यों है तो मैं वो बता दूँ सबसे पहले तुम्हें। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO है हमारी, उसने डेवलप किया एडवांस सॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जो है इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य जो होगा टू सेफ गार्ड द नेवल शिप अगेंस्ट एनिमी मिसाइल अटैक। तो जो भी हमारे जहाज है नौसेना के, उसको बचाने में ये अहम किरदार अदा करेगा दुश्मनों के मिसाइल से। तो ये सबसे बड़ी बात, एक मैं अपना थोड़ा सा बता दूं कि ये आत्मनिर्भर भारत जो हमारा स्कीम था, मोदी गवर्नमेंट का स्कीम था, उसके तहत ये डेवलप किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो शॉफ इज एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी यूज बाय मिलिट्रीज वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट नेवल शिप्स। ये बेसिकली सारे मिलिट्रीज के थ्रू जो है ये यूज किया जाता है ये टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है, नौसेना के जो जहाज है उन्हें दुश्मन के रडार से, रेडियो फ्रिक्वेंसी से बचाया जाता है, एनिमी मिसाइल से बचाया जाता है, जो भी सेंसिटिव टारगेट फ्रॉम रडार एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी गाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ द एनिमी मिसाइल, उससे इनको बचाया जाता है। तो जो शॉफ रॉकेट्स हैं डिप्लॉयड होते हैं एयर रिफ्लेक्ट एज मल्टीपल टारगेट्स फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स। और बेसिकली DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसका तीन वेरिएंट है राहुल, तीन वेरिएंट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला वेरिएंट है जो वो है शॉर्ट रेंज शॉफ रॉकेट, दूसरा है मीडियम रेंज शॉफ रॉकेट और तीसरा है लॉन्ग रेंज शॉफ रॉकेट। तो इसके बारे में तो मैं एक बार कहूंगा कि तुम्हें अगर छोटा छोटा भीम से अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो प्लीज जाके एक बार इसके बारे में R&D कर लेना, शॉर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया ये है और ये DRDO ने डेवलप किया है। इसका बेसिकली यूज होता है जो नौसेना के जहाज होते हैं उसको दुश्मनों के मिसाइल अटैक से बचाने के लिए। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। करंट अफेयर्स की बात अगर की जाए तो अगर हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और होप करते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी इस क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। और एक चीज मैं और बता दूं मित्रों, मित्रों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सबसे मुखातिब हूँ, तो मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का, उसके लिए स्टूडेंट साथी ने द ऑनलाइन एग्जाम वाले शुरू किया है, जिसमें द हिंदू एडिटोरियल से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वोकेबलरी से रिलेटेड साइनो एंटो के क्वेश्चंस, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस उसमें होंगे। हर मंथ का करेंट अफेयर्स है और ये हर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है, डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको एक हाईलाइट भी बता देता हूँ, ये आपको स्टूडेंट साथी ऑनलाइन एग्जाम वाले के टेस्ट सीरीज में इस तरह के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेंगे और मंथली बेसिस पे मिलेंगे। अरे मोदी जी, ये स्टूडेंट साथी ऑनलाइन एग्जाम वाले इतना कुछ देता है, मतलब हर मंथ का करंट अफेयर्स, सारे न्यूज़पेपर से रिलेटेड, योजना कुरुक्षेत्र से रिलेटेड और उसके साथ साथ वोकेबलरी, साइनो एंटो, ये सब कुछ देता है। तो राहुल तुम इसे मेरे चुनावी वादों की तरह झूठा समझ रहे हो क्या? ये जो भी कहता है वो करता है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, तो वहां जाके भी तुम इसको देख सकते हो और जो भी टेस्ट है उसको ऑनलाइन दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी तुम्हें, PDF डाउनलोड कर सकते हो ताकि कल को तुम उसे रिवाइज भी कर सको और सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट करेंट अफेयर्स के हर मंथ के, वोकेबलरी, साइनो एंटो के साथ, ताकि तुम अच्छे से तगड़े तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी कर सको, ना कि चुनाव की तरह। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो हाइलाइट्स मैं बता दूं ऑडियंस को। तो एक क्वेश्चन जैसा कि एक उठ रहा है इसमें करंट अफेयर्स से, इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर मिसाइल सबमरीन KRI नंगना 402। KRI नंगना 402 इज द सबमरीन ऑफ विच कंट्री? हाल ही में भारत ने मिसिंग सबमरीन KRI नंगना 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। तो KRI नंगना 402 किस देश की पनडुब्बी है? ये एक सवाल है। अरे मोदी जी, मुझे तो इसका आंसर पता है, इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया का ही ये KRI नंगना 402 पनडुब्बी है जिसके रेस्क्यू में इंडिया भी अभी शामिल हुआ था। तो
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मोदी एंड राहुल जी का जुगलबंदी का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी, इसी तरीके के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगे। और द हिंदू के एडिटोरियल से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, सेंटेंसेस, साइनो एंटो, सबका कलेक्शन कंप्लीट मिलेगा। और इसी तरह के वीडियोस से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए स्टूडेंट साथी का यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में द ऑनलाइन एग्जाम वाले का भी लिंक है और द ऑनलाइन किताब वाले का भी लिंक है। तो द ऑनलाइन किताब वाले से आप घर बैठे कहीं भी ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर मंगवा सकते हैं। और द ऑनलाइन एग्जाम वाले पे जैसा कि मोदी जी ने आपको बताया होगा, वो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे हर टेस्ट सीरीज के, और हर मंथ का कलेक्शन है क्वेश्चंस का, और बेस्ट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।